कि यदि हम प्रोक्रेस्टिनेशन में चले ही गए, देन हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हम इससे अपने आप को कैसे बाहर निकालें, या मेरे को ये तो समझ में आ गया कि मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रवृत्ति है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने आप को इस प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रख सकूं, जिससे कि ना सिर्फ मेरी अंतर यात्रा सुगम बने, मैं अपने जीवन में हर एस्पेक्ट में, हर एंगल में जो है बैलेंस्ड वे में अपना जीवन जीऊं। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, वॉच योर शैडो एनर्जी। आप कहेंगे एनर्जी तो हमने बहुत बारी सुना है, अब ये शैडो एनर्जी क्या होती है? शैडो एनर्जी दोस्तों हमारे अंदर ही होती है। ये कहाँ बनती है? ये हमारे माइंड में बनती है। कैसे बनती है? ड्यू टू नेगेटिव थॉट्स। जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हम हर बात में हर चीज़ को लेके बहुत ही नकारात्मक रहते हैं, तो हमारे अंदर ये शैडो एनर्जी बनती है, हमको पता ही नहीं चलता। ये शैडो एनर्जी क्या करती है? ये हमें कभी भी किसी काम को समय पे नहीं करने देगी, और ये हमारे अंदर क्या करती है? प्रोक्रेस्टिनेशन डाल देती है। अब अगर हम ये सोचें कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मेरे अंदर ये शैडो एनर्जी है या नहीं है, अब इसको भी जानने के लिए हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर उसको याद करने के लिए मैं बोलूं तो जैसे हम सेफ लिखते हैं ना, SAFE, उसके आगे एक S लगा दीजिए, सेफ्स। अब इससे क्या बनेगा? सबसे पहले सैडनेस, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, जब हम बहुत हमारे अंदर एंगर होता है, जब हमारे अंदर फियर होता है, जब हमारे अंदर एम्बैरेसमेंट होती है, और जब हमारे अंदर शेम होती है। ये पांच भाव ऐसे हैं दोस्तों, आप बड़े आराम से देखिए कि क्या मेरे अंदर इन पांचों में से कोई एक भाव है। यदि है तो हाँ, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अंदर उस शैडो एनर्जी को कैरी करते हैं। अब ये शैडो एनर्जी क्या करेगी? ये आपको कभी भी जीवन में वो हासिल नहीं करने देगी जो आप चाहते हैं। जाने अनजाने आप प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाएंगे और आप रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे कि अरे ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इसको और बहुत सिंपल करके समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपने कुछ प्रोग्राम बनाया कहीं बाहर जाने के लिए, और आपके साथ जो लोग जा रहे हैं, जो ग्रुप जा रहा है, वो सभी लोग बड़े जॉयफुल हैं, वो बड़े हंसी खुशी मजाक से, बड़े प्यार से, हर मोमेंट का आनंद लेते हुए जो है वो उस ग्रुप में रहते हैं। जब आप उस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो क्या होगा? आप भी वो जॉयफुल फील करेंगे, आपको भी ऐसे लगेगा मेरी एनर्जी जो है वो एलिवेट हो गई है, और आप उस ट्रिप का भरपूर जो है आनंद लेंगे। जब आप घर आएंगे तो आप उस मोमेंट्स को याद करेंगे, मैंने कितना इन्जॉय किया था, कितना बढ़िया मेरा ये ट्रिप रहा। अब सोचिए, आपका जो ट्रिप है वो ऐसे लोगों के साथ है जिसमें से वो सब बहुत गुस्से में रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आर्गुमेंट कर रहे हैं, जब भी देखो उनमें जो है कन्फ्रंटेशन चल रही है, कोई कुछ कह रहा है तो दूसरा उसकी बात नहीं मानता। आपको लगता है दोस्तों आप ऐसे ग्रुप में इंजॉय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा उल्टा यहाँ के तो मेरी एनर्जी डिप्लीट हो गई है, और आप और ज़रूरत से ज़्यादा टेंस होके या आप जो है सैड होकर वापस आएंगे। अब ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से हमारे सभी दर्शक मेरे साथ एग्री करेंगे कि बिल्कुल जी ऐसा ही होगा। अब सोचिए, जब हम अपने अंदर ही शैडो एनर्जी को लेकर चलते हैं तो उससे क्या होगा? आप किसी भी एनवायरनमेंट में जाएंगे, आपके साथ बड़े खुश मिजाज लोग हैं, बड़े जॉयफुल लोग हैं, आप वहाँ पे अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, आप वो आनंद नहीं ले पाएंगे। आप क्या करेंगे? आप अपने आप को उस ग्रुप से दूर रखेंगे, और उल्टा ये भी हो सकता है कि आपको वहाँ पे अनइजी फील होगा, आपको लगेगा अरे मैं ऐसी नहीं हूँ, ये लोग ऐसे कितना इन्जॉय कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती। लेकिन आप ये नहीं सोच पाएंगे मैं इन्जॉय क्यों नहीं कर पा रही, मैं आनंद क्यों नहीं ले पा रही।
तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, कहीं मेरे अंदर SAFES तो नहीं है, सेफ्स तो नहीं है, जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं मैं अपने अंदर ये शैडो एनर्जी लेके तो नहीं कैरी कर रही। और ये सबसे बड़ा दोस्तों एक पॉइंट रहता है, यदि आप इसको समझ लें और इसको आप अपने जीवन से इसको शैडो एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दें पॉजिटिव एनर्जी के अंदर, तो हम बहुत बड़े लेवल पे प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर जो है वो हम हो सकते हैं।